दोस्तों, हमारे इतिहास में कई ऐसे आविष्कार हुए हैं जिसने मानव इतिहास में क्रांति ला दी, लेकिन अब हम एक आधुनिक युग में रह रहे हैं और हम हर दिन नए नए आविष्कार करते जा रहे हैं जिनकी बदौलत हमारे जीवन में काफ़ी सहजता आती जा रही है। लेकिन अगर हम अपने लिखित इतिहास पर गौर करें तो हमने अपने प्राचीन काल में भी बहुत ऐसे आविष्कार किए जो उस समय से काफ़ी अत्याधुनिक थे और मानव जीवन को काफ़ी प्रगतिशील बनाने में सक्षम थे। लेकिन किसी न किसी कारणवश ऐसे आविष्कारों को उस समय ज़्यादा महत्व दिया नहीं गया और इन आविष्कारों को मानव जीवन में प्रयोग ना कर इन्हें इतिहास के पन्नों में ही समेट कर रख दिया गया। तो चलिए, आज के वीडियो में हम दोस्तों ऐसे ही कुछ आविष्कारों के बारे में जानेंगे जो मानव इतिहास को पूरी तरह से बदल सकते थे। ह्यूमन डुप्लीकेटर। दोस्तों, निकोला टेस्ला अपने सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे जिनके लिए कुछ भी बनाना नामुमकिन नहीं था, और अपनी इसी कोशिश में उन्होंने ह्यूमन टेलीपोर्टेशन मशीन पर काम करना शुरू किया, जिस मशीन से इंसान एक जगह से दूसरी जगह महज कुछ सेकंडों में ही पहुंच जाता। इस मशीन पर टेस्ला बहुत दिनों से ही काम कर रहे थे, लेकिन हजारों कोशिशों के बावजूद वो इस मशीन से कुछ पार्ट्स को सही से यूज नहीं कर पा रहे थे। टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक टोपी का इस्तेमाल किया करते थे टेलीपोर्टेशन के लिए, लेकिन बार बार की कोशिशों के बावजूद भी टोपी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। इतने सारे प्रयोगों को नाकाम होता देख उन्होंने इस प्रयोग के लिए एक बिल्ली को आजमाने के बारे में सोचा, और जब वो इस प्रयोग को कर रहे थे तो अचानक उनकी लैब के बाहर एक और बिल्ली की आवाज आई। जब टेस्ला अपने लैब के बाहर निकले तो बाहर का नजारा देख भौचक्के रह गए, क्योंकि बाहर उन्हें उस बिल्ली का एक और हूबहू डुप्लीकेट कॉपी देखने को मिला, जो कहां से आई थी किसी को पता नहीं था, और उस बिल्ली के पास कई सारी टोपियां भी उन्हें देखने को मिली, जो नतीजा था पहले किए गए नाकाम प्रयोगों का, जिसका मतलब ये था कि टेस्ला की वो मशीन किसी को गायब तो नहीं, बल्कि उसके बजाय वो किसी भी चीज का हूबहू कॉपी या किसी का डुप्लीकेट बना सकती थी। कहा जाता है कि टेस्ला का यह आविष्कार टेस्ला की गलती से हो गया था, और टेस्ला की मौत के बाद इस आविष्कार का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता चला। दोस्तों, आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि ग्लास एक ऐसी चीज होती है जो पारदर्शी भी होती है और ये बहुत ही जल्दी आसानी से टूट भी जाती है। आज के टेक्नोलॉजी से हमने ऐसे ग्लास तो बना लिए हैं जो आसानी से नहीं टूटते, लेकिन हमने अभी तक ऐसे ग्लास नहीं बनाए जो कभी भी ना टूटे। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो आज से हजारों साल पहले ही ऐसे टेक्निक्स का आविष्कार कर लिया गया था। रोमन इतिहास को अगर हम ध्यान से देखें तो 3 बार ऐसे सब्सटेंस का जिक्र किया गया है जिसे विड्रन फ्लिक्जन के नाम से जाना जाता है, जिसके मुताबिक सन 1437 के सदी में सम्राज टिबेरस के शासन काल में एक अनजान व्यक्ति राजा के दरबार में एक कांच का घड़ा लेकर आया और उसने कहा कि आप इसे जितने भी तोड़ने की कोशिश कर लो, आप इसे तोड़ नहीं सकते। उस व्यक्ति की बातों को परखने के लिए राजा ने उस कांच के घड़े को बहुत जोर से जमीन पर पटका, लेकिन जमीन पर इतनी जोर पटकने के बावजूद भी उस घड़े पर कोई भी खरोंच तक नहीं आई, और अपने जमीन पर गिरने के बाद वो बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से मुड़ गया। उस व्यक्ति ने फिर से अपने हथौड़े से ठोक कर उस कांच के घड़े को ठीक कर दिया। इस घटना को देख सम्राट टिबेरस के साथ पूरे राज दरबार के लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि उस समय कभी ना टूटने वाला कांच महज एक कल्पना मात्र थी। इस व्यक्ति के इस अनूठे आविष्कार को देख राजा टिबेरस ने उससे पूछा कि उसने यह कांच बनाने की टेक्निक्स और किस किस को बताई है, तो जवाब में उसने कहा कि ये टेक्निक्स उसके अलावा और कोई भी नहीं जानता। इतना सुनते ही सम्राट ने उस व्यक्ति का सिर काटने का आदेश दे दिया। सम्राट को ये डर था कि इस कांच के चलते सोना और चांदी जैसे बहुमूल्य रत्नों का मान काफी कम हो जाएगा, और अपने स्वार्थी और लालच के चलते कभी न टूटने वाले कांच जैसे आविष्कार इतिहास के पन्नों में ही लुप्त होकर चले गए। क्रोनोविजन टेक्नोलॉजी। सन 1960 में फादर ग्रेनो अर्नेटी ने यह दावा किया था
कि वो कुछ विशेष लोगों के साथ काम कर रहे थे, जिसमें वैज्ञानिक एनरिको फर्मी और वनहर वन वाउन जैसे वैज्ञानिक भी शामिल थे। और उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के पहले एक टाइम वीवर बना लिया था और उस मशीन को क्रोनोवाइजर का नाम दिया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे आसपास मौजूद हर चीज तरंगों से बनी हुई है और यहाँ तक कि हम भी इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तरंगों के रूप में मौजूद हैं। और उसी टाइम वीवर द्वारा कथित तौर से वातावरण में मौजूद तरंगों के द्वारा भूतकाल में घटित घटनाओं की इमेजेस और साउंड को दोबारा बनाया जा सकता था, जिससे भूतकाल के कुछ अंशों को हम देख भी सकते थे। यह सुनने में तो असंभव सा लगता है, लेकिन ये खोज वैज्ञानिक कर चुके हैं कि अंतरिक्ष में उपस्थित तरंगों से ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इस तरह का डिवाइस बनाना अभी तक हमारे लिए एक कोरी कल्पना मात्र है। लेकिन अगर हम फादर रेनेटी की माने तो ऐसे डिवाइस को बना लिया गया था और इसकी मदद से उन्होंने 170 ईसा पूर्व रोम की एक घटना भी देखी थी। इसके बाद उन्होंने ईसा मसीह की सूली पर लटकाने की घटना के ये साक्षी भी बने। यहाँ तक कि उन्होंने ईसा मसीह के क्रूस पर लटकाए जाने का एक फोटो भी कैप्चर किया और इस कैप्चर किए गए फोटो के एक कॉपी को 2 मई 1972 को इटली के एक साप्ताहिक मैगजीन लॉ डोमेनिका में भी प्रकाशित किया गया। जब 1994 में फादर एर्नेटी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तो उन्होंने बताया था कि जब वो एक बार वैटिकन सिटी में एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो वो आखिरी बार था जब वो मशीन अस्तित्व में थी, क्योंकि उसी दौरान उस मशीन का गलत दुरुपयोग ना हो इसका हवाला देकर उसे नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए आविष्कारों में से कौन सा आविष्कार अभी तक हमारे लिए सबसे फायदेमंद होता, कृपया आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। तो चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी अपने किसी ऐसे ही हैरत अंगेज और इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने इस दोस्त और होस्ट रोहित को दीजिए इजाज़त। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।